दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं टोटल 5 स्टॉक्स के बारे में। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करने वाले हैं अडानी वेलमार के बारे में। आज के दिन अडानी वेलमार के अंदर आपको 1.5% की गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि आज के दिन मार्केट सेशन में हमें काफ़ी बड़ी अपडेट आते हुए देखने को मिली है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एडिबल ऑयल रिलेटेड जितनी भी कंपनियाँ उनके अंदर अब हमें थोड़े से मार्जिन इश्यू देखने को मिल सकते हैं, और साथ ही साथ रेवेन्यू के अंदर भी थोड़ी सी हमें कटौती देखने को मिल सकती है। क्योंकि यहां पर जो न्यूज निकल कर आ रही है वो काफी इंपॉर्टेंट न्यूज हमें देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं यहां पर गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई कर दिया है, सेंटर ने यहां पर जितनी भी कॉर्पोरेट्स है जो एडिबल ऑयल्स को यहां पर बनाती है, एडिबल ऑयल्स को मैन्युफैक्चर करती है या फिर इंपोर्ट करती है, उसके लिए यहां पर क्लियरली प्रेस रिलीज निकाल दी है कि अब यहां पर जो एडिबल ऑयल्स है उसके ऊपर 15 रुपये पर लीटर से प्राइस को कट करना होगा। तो काफी बड़ी अपडेट हमें रिसेंटली आते हुए देखने को मिल रही है, जिसके चलते यहां पर आपको आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट के अंदर शॉर्ट टर्म में काफी नंबर्स थोड़े से यहां पर प्रेशर में देखने को मिल सकते हैं। आप यहां देख सकते हैं, इन अ बीट टू प्रोवाइड रिलीफ टू कंज्यूमर्स द सेंटर हैज आस्क्ड द एडिबल ऑयल एसोसिएशन टू इंश्योर रिडक्शन इन द मैक्सिमम रिटेल प्राइस ऑफ एडिबल ऑयल्स बाय अप टू ₹15 पर लीटर। तो यहां पर इमीडिएट इफेक्ट से जो 7 डेज का टाइम पीरियड दिया गया है वो हमें अब यहां पर कंक्लूड होते हुए देखने को मिलने वाला है, और मंडे के दिन यहां पर हमें अडानी वेलमार जैसे शेयर प्राइस के ऊपर भी बड़ा इंपैक्ट पड़ते हुए देखने को मिल सकता है। तो यदि आपने अडानी वेलमार के अंदर खरीदारी कर रखी है तो ₹560 के स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए आप यहां पर अपनी पोजीशंस को होल्ड करते हुए चल सकते हैं। फ्रेश पोजीशंस के लिए अभी आपको थोड़ा सा इस शेयर्स को अवॉइड करके चलना चाहिए। बात कर लेते हैं नेक्स्ट शेयर्स के बारे में, जहां पर कंपनी ने स्प्लिट अनाउंस किया था, लेकिन स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट आज के दिन कंपनी की तरफ से निकल कर आई है। मैं बात कर रहा हूं हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड के बारे में, जहां पर आज के दिन तो कोई बड़ी तेजी देखने को नहीं मिली, लेकिन पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड के अंदर ऑलमोस्ट 14% से भी ज्यादा के रिटर्न्स हमें इस कंपनी के अंदर देखने को मिल चुके हैं। ₹2000 का बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यहां पर काम कर रहा है। अगर हिंदुस्तान फूड्स 2000 के लेवल को मंडे के दिन ब्रेक करता है तो यहां पर हमें एक फ्रेश बाइंग अच्छी खासी आते हुए देखने को मिल सकती है, और शेयर्स अपने नेक्स्ट टारगेट ₹2200 तक जाते हुए देखने को मिल सकता है। बात करें हिंदुस्तान फूड्स की, तो यहां पर कंपनी ने जो 1:5 के रेशो का स्प्लिट अनाउंस किया है, यानी कि हर एक शेयर के बदले जो 5 शेयर्स कंपनी स्प्लिट के रूप में देने जा रही है उसकी एक्स डेट यहां पर निकल कर आ चुकी है। 21 जुलाई 2022 तक अगर आप इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तब जाकर आप यहां पर स्प्लिट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। कंपनी अगर फाइनेंशियल नंबर्स की भी बात करी जाए तो कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हमें देखने को मिलते हैं। कंपनी ने रेवेन्यू भी 581 करोड़ का जनरेट किया है, साथ ही साथ अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो वहां पर भी कंपनी ने 12.25 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस के कंपेरिजन में भी लगभग 13% ज़्यादा है। तो यदि आप इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और स्प्लिट का बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो 21 जुलाई के पहले आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना होगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट शेयर्स के बारे में, जिसका नाम है टाटा पावर कंपनी लिमिटेड। आज के दिन इस शेयर्स के अंदर हमें लगभग 2 से 2.25% की शानदार तेजी देखने को मिल रही है। वह पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में टाटा पावर का शेयर 5% से भी ज्यादा यहां पर चढ़ चुका है। बात करें इस तेजी के पीछे की क्या वजह है, तो टाटा पावर ने अपने AGM के आउटकम्स यहां पर रिलीज कर दिए हैं। अगर आप देख पाएंगे तो टाटा पावर ने आज के दिन 2 इंपॉर्टेंट अपडेट डिक्लेयर करी है। सबसे पहले जो यहां पर 103rd एनुअल जनरल मीटिंग हमें यहां पर हेल्ड होते हुए देखने को मिली थी उसके आउटकम्स देखने को मिल रहे हैं, और साथ ही साथ जो टाटा पावर के ऊपर CBI की तरफ से जो यहां पर पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के अंदर 5 लोगों को जो अरेस्ट किया गया है उसमें यहां पर एक बड़ा क्लेरिफिकेशन टाटा पावर की तरफ से भी एक्सचेंज को सबमिट किया गया है। तो अल्टीमेटली अगर आपने टाटा पावर के अंदर खरीदारी कर रखी है तो ये शेयर्स नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक में भी काफी ज्यादा फोकस में रहने वाला है। तो यदि आपने यहां पर खरीदारी कर रखी है तो इस शेयर्स के ऊपर भी आप नजर बनाए रख सकते हैं। टाटा पावर के अंदर भी लॉन्ग टर्म में आप लगभग ₹500 के टारगेट विद इन 2 ईयर्स एंड विद इन 10 ईयर्स आप इस शेयर्स के अंदर टारगेट 1000+ के भी लेकर चल सकते हैं। बात कर लेते हैं नेक्स्ट शेयर्स के बारे में, जहां पर एक बहुत ही शानदार ब्रेकआउट बन रहा है जिसका नाम है ITC लिमिटेड। आज के दिन ITC के अंदर हमें एक शानदार गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है। अगेन शेयर्स अपने नए 52 वीक के हाई पर देखने को मिलता है। इसी के साथ में यहां पर ब्रोकरेज फर्म्स की तरफ से भी ITC के जो टारगेट प्राइस है उन्हें इंक्रीज कर दिया गया है। सेंट्रम ब्रोकिंग की तरफ से भी यहां पर ITC को लेकर बाय की रेटिंग दी जा रही है, और ₹351 के टारगेट यहां पर शॉर्ट टर्म में ITC के अंदर दिए जा रहे हैं।
आज के दिन हमें एक और रिपोर्ट देखने को मिल रही है जिसमें सिगरेट एंड होटल के बिजनेस के अंदर यहाँ पर जो स्ट्रगल हमें आईटीसी के अंदर अभी देखने को मिला था वो यहाँ पर हमें डी मर्जर होते हुए देखने को मिल सकता है। तो काफी बड़ी अपडेट्स हमें यहाँ पर आईटीसी को लेकर भी आते हुए देखने को मिल रही है। साथ ही साथ फॉरेन इन्वेस्टर्स काफी ज्यादा फ्रेश बाइंग हमें आईटीसी के अंदर भी करते हुए देखने को मिल रहे हैं, यानी कि टीवीएस मोटर, टाटा मोटर्स, हिंडालको और आईटीसी जैसे शेयर्स के ऊपर जो फॉरेन ब्रोकरेज है उनकी सबसे ज्यादा अभी नजर बनी हुई है। तो यदि आपने आईटीसी के अंदर भी खरीदारी कर रखी है तो यहां पर भी आप शॉर्ट टर्म में 350 रुपए के टारगेट लेकर चल सकते हैं और बहुत जल्दी ये शेयर्स आपको 500 रुपए तक भी जाते हुए देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहां पर प्राइस अनलॉकिंग हमें देखने को मिल चुकी है और जैसे ही शेयर्स अपने फर्स्ट रेजिस्टेंस 300 रुपए को अचीव करेगा वहां से हमें एक फ्रेश रैली देखने को मिल सकती है। आज के दिन भी हमें आईटीसी के अंदर वॉल्यूम बेस्ड काम काफी अच्छा देखने को मिला है। 1,11,00,000 क्वांटिटी आज के दिन आईटीसी के अंदर ट्रेड हुई है, जिसके सामने लगभग 52,00,000 क्वांटिटी डिलरेबल बेस पर उठाई गई है और डिलरेबल बेस क्वांटिटी का परसेंटेज भी लगभग 47% का देखने को मिल रहा है। तो काफी शानदार वॉल्यूम बेस्ड काम भी हमें आईटीसी के अंदर देखने को मिल रहा है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट शेयर्स के बारे में, जिसका नाम है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड। पिछले एक महीने में आईएक्स का शेयर बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो चुका है, लेकिन यहाँ पर आईएक्स को लेकर एक बहुत ही बढ़िया रिपोर्ट निकल कर आ रही है। रिपोर्ट आपके सामने जिसमें शेयर्स ऑफ इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड गेन एज मच एज 2.72% ऑन थर्सडे आफ्टर यूबीएस सिक्योरिटीज अपग्रेडेड इट्स स्टॉक टू बाय फ्रॉम सेल। तो यहां पर यूबीएस सिक्योरिटीज की तरफ से जो पहले सेल की रेटिंग दी गई थी अब उसे अपग्रेड कर दिया गया है और यहां पर बाय की रेटिंग दी गई है। यहां पर टारगेट प्राइस को कट किया गया है, लेकिन ओवरऑल अभी भी अगर टारगेट प्राइस की बात करें तो यहां पर 210 रुपए तक शेयर्स आपको जाते हुए देखने को मिल सकता था। यूबीएस ने पहले जो टारगेट दिए थे वो 227 रुपए के दिए थे। तो अल्टीमेटली अगर आपने आईएक्स के अंदर भी खरीदारी कर रखी है तो यहां पर आप अपनी पोजिशंस को 150 रुपीज के स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए होल्ड करते हुए चल सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल बाजार की खबर को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर जो रियल टाइम बेसिस पर इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करी जा रही है उसका बेनिफिट आप उठा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की जर्नी को स्टार्ट नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंडिया के लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म अप स्टॉक्स की लिंक मिल जाएगी, जहां से आप फ्री में अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। विद इन अ 4 आवर्स आपका डीमेट अकाउंट ओपन हो जाएगा और अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड। साथ ही साथ टाटा पावर या फिर किसी और शेयर से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्यूरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।